हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करके दिखाऊंगा एक ख़राब ब्लूटूथ स्पीकर है जब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तब यह ब्लूटूथ स्पीकर पावर ऑन नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा अब मैं इस स्विच को ऑन किया हुआ आप लोग देख सकते हैं ये पावर ऑन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों को इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाऊंगा अब आप लोग देख सकते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर में यहाँ पर तीन स्क्रू लगा रहते हैं अब इन तीन तीनों स्क्रू को यहाँ से खोलना होगा पहले इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने के लिए अब मैं स्क्रू को यहाँ से फटाफट से खोल लेता हूँ ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये दो स्क्रू खोल गया है ये भी स्क्रू खोल गया है अब ये तीनों स्क्रू खोल गया है अब आप लोग देख सकते हैं अंदर में एक सर्किट लगा रहते हैं और उसके बाद इस सर्किट में यहाँ पर एक स्विच है आप लोग देख सकते हैं इस स्विच का ये बटन है ऊपर का और आप लोग अंदर देख सकते हैं ये बैटरी ये बैटरी भी कभी कभी ख़राब हो जाता है ये बैटरी खराब होने से भी ये ब्लूटूथ स्पीकर पावर ऑन नहीं होता है अब मैं स्विच को ऑन कर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं ये पावर ऑन नहीं हो रहा है अब यह ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने के लिए पहले इस बैटरी को चेक करना होगा ये डी सी थ्री पॉइंट सेवन भोल का लिथियामान बैटरी है अब मैं इस बैटरी को मल्टीमीटर पर चेक करूँगा पहले ये बैटरी खराब होने से भी ये ब्लूटूथ स्पीकर पावर ऑन नहीं होता है अब आप लोग देख सकते हैं ये मल्टीमीटर इस मल्टीमीटर में ये ब्लूटूथ स्पीकर को मैं चेक करूँगा ये जो बैटरी है पहले इस बैटरी को चेक करूँगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह बैटरी फोर पॉइंट फोर वोल्ट दिखा रहा है तो यह बैटरी बिल्कुल ठीक है और उसके बाद इस ब्लूटूथ स्पीकर में एक दूसरा कॉम्पोमेंट्स लगा रहते हैं निचे ये जो स्विच है ये स्विच भी ख़राब होने से ये पावर ऑन नहीं होता है ये ब्लूटूथ स्पीकर अब मैं इस स्विच को चेक करूँगा मल्टीमीटर पर अब यहाँ ये यह मल्टीमीटर पर इस स्विच को चेक करूँगा मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख दिया है और उसके बाद इस स्विच की नीचे की यहाँ पर इस लेग में चेक करना होगा अब मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा और उसके बाद इसको चेक करूंगा यहाँ पर ऐसे अब मैं मल्टीमीटर के टर्मिनल को यहाँ पर लगा दिया है इस स्विच में आप लोग देख सकते हैं ये स्विच ख़राब है इसीलिए मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं शो हो रहा था तो इस स्विच को खोलना होगा इस सर्किट से रिप्लेस करने के लिए अब मैं इस स्विच को खोल लेता हूँ यहाँ से खोलने के लिए ऊपर में यहाँ पर स्विच की लेग पर सोल्डरिंग करना होगा और उसके बाद पहले इस बैटरी की दोनों तार को खोलना होगा क्योंकि यह बैटरी की तार ना खोलने से इस सर्किट में शॉर्ट जब मैं सोल्डरिंग करूँगा तब तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और सर्किट डैमेज भी हो सकता है इसीलिए इस बैटरी को पहले खोल लेना होगा और उसके बाद यह जो स्विच है इस स्विच को खोलने के लिए इस स्विच को ऐसे पकड़ना है पीछे से आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद ऊपर में इस स्विच की लेग पर ऐसे सोल्डरिंग कर देना है अब यह स्विच आसानी से बाहर निकल जाएगा आप लोग देख सकते हैं ये स्विच बाहर निकल गया है आप लोग ये स्विच देख सकते हैं अब इस स्विच को रिप्लेस करना होगा इस सर्किट पर अब मैं एक दूसरा स्विच लूँगा ये स्विच बिल्कुल ख़राब हो गया है और उसके बाद ये जो सर्किट है यहाँ पर इसको साफ़ कर लेना होगा इस शोल्डर को ऐसे इस रंग को ऐसे साफ कर लेना होगा अब यह रंग साफ़ हो गया है आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद एक दूसरा स्विच यूज़ करूंगा इस सर्किट में आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम स्विच है इस स्विच को मैंने ये जो ब्लूटूथ स्पीकर का पुराना सर्किट है यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला है आप लोग देख सकते हैं ये भी ब्लूटूथ स्पीकर का ही सर्किट है अब इस स्विच को मैं इस सर्किट पर लगा दूँगा पीछे से यहाँ पर पहले जैसा इस स्विच को ऐसे फिट कर लेना है आप लोग देख सकते हैं ये स्विच फिट हो गया है और उसके बाद ऊपर में यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना होगा अब मैं यहाँ पर ऐसे रंग से सोल्डरिंग करूँगा यहाँ पर यहाँ पर रंग लगाना होगा अब आप लोग देख सकते हैं ये सोल्डरिंग हो गया है स्विच अब मैंने चारों तरफ इस स्विच के पीछे यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है आप लोग देख सकते हैं ये स्विच बिल्कुल रिपेयर हो गया है और उसके बाद ये जो बैटरी का दो तार है इस दोनों तार को इस बैटरी के साथ जोड़ना होगा ये जो लाल तार है इस लाल तार को बैटरी को पॉजिटिव के साथ यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग कर देना होगा पहले अब मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ बैटरी के पॉजिटिव को और उसके बाद ये जो ब्लैक तार है इस ब्लैक तार को इस बैटरी के निगेटिव पर यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा ऐसे अब ये भी तार मैंने सोल्डरिंग कर दिया अब आप लोग देखना इस स्विच को मैं ऑन कर दूंगा आप लोग देख सकते हैं ये पावर ऑन हो रहा है ये नीले लाइट जल रहा है पावर का लाइट है ये ये इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो ये सर्किट बिल्कुल रिपेयर हो गया है अब इस सर्किट को यहाँ पर पहले जैसा फिट करना होगा ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये फिट हो गया है और उसके बाद इस स्विच की बटन को लगा के यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देना होगा ऐसे फटाफट से आप लोग देख सकते हैं यह तीनों स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया अब यह ब्लूटूथ स्पीकर पूरा रिपेयर हो गया है और उसके बाद ये ब्लूटूथ स्पीकर पहले जैसा यूज़ कर सकते हैं